हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 12 है। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये जो है स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमें एक्सप्रेस करना है कॉस ए को, ठीक है, अच्छी बात है, टैन ए को और सेक ए, तीनों टर्म को किसके टर्म में डिफा हमें एक्सप्रेस करना है, दैट इज साइन ए। किसके टर्म में? दैट इज साइन ए। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले कॉस ए को हम लोग साइन ए में करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले को पढ़ रखा है। हमें पता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना इक्वल्स टू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंगल यहाँ पे ए है, कोई बात नहीं, ए ले लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। सबको कॉस को भी हमें किसमें चेंज करना है, साइन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पकड़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर ए। सर ये तो हो गया सर। नहीं सर, ये नहीं हुआ है, हमसे पूछा है कि कॉस ए को कन्वर्ट कीजिए, हमसे कॉस स्क्वायर ए को नहीं बोला है, हमें बोला है कि कॉस ए को आप कन्वर्ट कीजिए। तो आइए कॉस ए को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस ए इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, पहला का कॉस ए को हमने साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा, ये तो हमारा पहला था, इसको पहला बना लो। अब दूसरा, दूसरा में क्या है, टैन ए, टैन ए को हमें कन्वर्ट करना है किसके, साइन ए के फॉर्म में। टैन ए इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, दैट इज साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए कन्वर्ट हो गया सर। नहीं नहीं, टैन ओ को केवल साइन ए के फॉर्म में चेंज किया है, कॉस ए नहीं होना चाहिए, केवल साइन होना चाहिए। अच्छा यार, गजब बेइज्जती है, ये क्या कर रहा है सर, ठीक है, साइन ए। अब कॉस ए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग यहां पर रखें कॉस स्क्वायर ए तो ये माइनस में चला जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट, यानी कि कॉस ए इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए लिख सकते हैं, यानी टैन ओ को भी हमने साइन ए के फॉर्म में तो चेंज कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास थर्ड है, दैट इज सेक ए। थर्ड में हमारे पास क्या है, सेक ए, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1 बाय कॉस ए, है ना, पढ़ रखा है ना भाई, अगर नहीं पढ़ रखा है ना तो एक बार जरूर से जरूर जाकर जो लिंक में डिस्क्रिप्शन है ना उसमें जाओ और बेसिक्स वीडियो देख लियो, ठीक है। और अगर आपको डाउट्स है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट दे दूंगा केवल वीडियो का लिंक, जिसपे आप क्लिक करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इंट्रो देख सकते हो, तो उस पर जाकर क्लिक करके इंट्रो जरूर देख लियो इसका, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट का है और आराम से क्लियर हो जाएगा। अब से के जो है कॉस ए के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन नहीं, से के हमें साइन ए के फॉर्म में करना चाहिए, तो कॉस ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, तो हम लोग लिख लिए से के इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए को हमने लिख लिया क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेक जो है वो साइन में भी कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो आपको है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ।